इस वीडियो में हम आपको कुछ स्टार्ट से जो वीडियो एडिटिंग करना बताएंगे जो कि अभी सोशल में अच्छा खासा ट्रेंडिंग भी चल रहा है एंड वायरल भी रहा है। तो इस तरह से जो वीडियो एडिटिंग है बहुत आसान तरह से कर पाएंगे। बस आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना है बिना स्किप किए एंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो बिना देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस इसके लिए जो आपको कैपकट को ओपन कर लेना है एंड उसके बाद कैपकट को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर जो न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद साइड में आपको एक फ़ोटो का ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर में, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद आपको जो 3 से 4 फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको यहाँ से जिस भी फ़ोटो को आप एडिट करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको एक नीचे ऐड का जो ऑप्शन दिखेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। इन यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे जो हमारे ये जो फ़ोटो तीनों जो फ़ोटो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको इधर स्क्रॉल करना है, यहाँ पर नीचे आपको एक रेशियो का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से 9:16 वाले पे क्लिक करके आपको कुछ इस प्रकार से जो है शॉर्ट के टाइप आपको वीडियो को क्रिएट कर लेना है, ठीक है। इन इतना कर लेने के बाद आपको इधर नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको एक ओवरले का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ से ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एंड उसके बाद जो इरेजर वाला जो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वहाँ से जो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एंड उसको जो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद इसको जो आपको जितना भी आपका फ़ोटो इतना उस हिसाब से आपको बड़ा कर लेना है, ठीक है, उस वीडियो को। एंड जितना तक हमारा जो वीडियो उतना आपको इसको कट कर लेना है। एंड नीचे स्प्लिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको जो डिलीट कर देना है, नीचे आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करके इसको जो डिलीट कर देना है बाकी। एंड उसके बाद इस पर आपको क्लिक करना है एंड इधर स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको एक ब्लेंड का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ से डार्क एंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो वाइट कलर को रिमूव कर लेना है, ठीक है। एंड इतना कर लेने के बाद नीचे ये साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड इतना कर लेने के बाद देख सकते हैं ये जो हमारा वीडियो कुछ इस प्रकार से हो चुका है। अगर आपका फ़ोटो कुछ इस प्रकार से जो बाहर आ जा रहा है देख सकते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। एंड नीचे आपको एक क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना है। ये वाले क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको जो सेलो रेशियो 9 कर लेना एंड कुछ इस प्रकार से आपको अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। एंड ये साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड देख सकते हो ये जो हमारा फ़ोटो आप कुछ इस प्रकार से बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड इतना कर लेने के बाद आपको जो एक लिरिक्स को ऐड करना है तो नीचे आपको एक ऐड ओवरले वाले पे क्लिक करके ऐड ओवरले पे क्लिक करना है। एंड आपको जो लिरिक्स का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है एंड नीचे ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है। एंड इतना कर लेने के बाद ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड उसके बाद नीचे आपको कुछ इस प्रकार से रख लेना है इसको, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से रख लेना है। एंड देख सकते हैं ये जो हमारा यहाँ पे लग चुका है सॉन्ग के साथ आपका ये जो ओवरले होगा, ठीक है, यहाँ पे इसको कट कर देना है। एंड इधर से आपको जितना भी हमारा वीडियो है आपको उतना ही रखना है, बाकी पार्ट को आपको डिलीट कर देना, ठीक है। एंड इतना कर लेने के बाद ये जो हमारा वीडियो जो है बन जाएगा, इसको जो है डाउनलोड करने के लिए ऊपर में 720 दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जो फुल HD करके आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करके आपको जो वीडियो को डाउनलोड कर लेना है।